आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा लंच जो मैंने आज खाया है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। एक पैन मैंने लिया है, थोड़ा सा उसमें डाला है देसी घी। मैं अपनी सारी वेजिटेबल्स देसी घी में बनाती हूँ क्योंकि उसमें हेल्दी फैट्स होते हैं। थोड़ा सा गार्लिक, जिंजर, हरी मिर्च है, उन सबको हल्का सा मैंने सॉटेड कर लिया। थोड़ा सा हिंग पाउडर आप अपनी हर सब्जी में ज़रूर डालें, इससे आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। वैसे भी हिंग लेनी बहुत अच्छी होती है। थोड़ा सा मैंने इंक्लूड किया है टर्मरिक पाउडर, उसको हल्का सा कुक करूँगी। देन मैंने इसमें मिक्स वेजिटेबल्स को इंक्लूड किया है, थोड़ा सा मैंने पत्ता गोभी, गोभी, कैप्सिकम, बीन्स, तो जो भी वेजिटेबल्स आपकी सिटी में इजिली अवेलेबल हो आप लोग वो सब्जियाँ इंक्लूड कर सकते हैं। बट मेक श्योर एवरी मील में आपकी 100 टू 150 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें फाइबर गुड अमाउंट हो तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। उसमें मैं कुछ डालूंगी स्पाइसेस, गरम मसाला घर का पिसा हुआ, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और इन सबको हल्के से कुक करूंगी। तब तक कुक उसको करना है जब तक उसका जो पानी है वो अच्छे से सोक ना हो जाए। जब आपको लगे कि वेजिटेबल्स ने अपना पानी पूरा अब्जॉर्ब कर लिया है तो देन उसके बाद उसमें आप डालें ग्रेटेड पनीर। इस सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा सॉटेड करने के बाद थोड़ा सा उसको कवर करेंगे ताकि जो हमारी गोभी है वो अच्छे से पक जाए। ये सब्जी में पानी बिल्कुल नहीं डालना, स्टीम से उसको पकने दें ताकि उसका एक नेचुरल फ्लेवर आ सके। और इसकी जो नेचुरल फ्लेवर जो होगा, जो हम बिना पानी के पकाएंगे, तो ये सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत हेल्दी बनती है। सो अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, थोड़े टाइम के लिए कुक कर उसको कवर करके रख दूंगी, और 5 से 7 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली ये सब्जी आपकी बन जाएगी। कवर करने के बाद उसको हल्का सा मिक्स करें, देन अच्छे से जो बाकी का अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी गया तो उसको आप हल्के से उसको थोड़ी देर से उसको पकाते रहो, आपकी सब्जी हो गई है रेडी। सो ये है मेरा मील, मैंने दही लिया है। ये बच्चों के लिए मैंने थोड़ी सी ओट्स की खिचड़ी बनाई थी, सिंपल जैसे नॉर्मल बनाते, तो ये मेरा मील रेडी है, दही, रोटी और सब रेडी है।